मानो ने सबने कहा कि हमने चाय पीनी है, तो सिर्फ एक बंदे के हाथ की पीनी है। हमने पूछा आपने किसके हाथ की पीनी है, सबने कहा कि हमने शिराज के हाथ की चाय पीनी है। तो भाई मैं तो गार्डन गार्डन हूँ। तो यार मामा ने बनाए हैं जी चावल, तो मामा डाल रही हैं। अब फाइनली गाइस चाय आपके भाई ने बना ली है गेस्टों के लिए, तो अब ऊपर चलते हैं लेके चलते हैं जी पकवान सेंटर वाली जो कि खाने बनाती हैं और खाने खिलाती हैं यार। तो आपको अब बना बना के तो नहीं खिला सकते क्योंकि आप लोग दूर हैं, दूर दूर से देख रहे हैं, जो पास से देखते हैं ना हमें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक है यार, आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में सबसे पहले आप सबको करते हैं वेलकम। ईद हो रही थी, ईद खत्म हुई है, पता भी नहीं चला ईद के दिन ऐसे ऐसे गुजरे हैं। ईद आई है, ईद का सेकंड डे, आज थर्ड डे ईद का हो गया, पता भी नहीं चला टाइम कितनी फास्टिंग से गुजरा है। तो यार कोई भी फेस्टिवल आए, कोई भी इवेंट आए, तो सबसे पहले क्या होता है, एक इंतकाबी निशान मेरे मुंह पे दाने शुरू हो जाते हैं, आगे पीछे फिर भी थोड़ा बेहतर हो जाता है, साफ़ हो जाता है, लेकिन जो ही कोई ऐसा फंक्शन आता है ना जिसमें कहीं आना जाना हो, मेरा ये जो दाने शाने शुरू, हमें ये विरासती मिले हुए हैं, तो अब कोई नहीं, अब इसको साथ लेके चलना है, तो ख़त्म हो जाएंगे और 6-7 माह तक ना साफ़ हो जाएगा, टाइम पूरा हो गया। ये टीन एज से होते हैं स्टार्ट, टीन एज से लेकर 22-23 साल की उम्र तक ही रहते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो खैर ईद काफ़ी अच्छी गुजरी, बड़ा मज़ा आया। घर आए हैं जी, गेस्ट आए हैं, तो उनके मनोरंजन के लिए, उनको वेलकम करने के लिए, तो अब हम खाने का इंतमाम कर रहे हैं। तो मामा बनाने लगी है स्टीम रोस्ट, तो अभी इन्होंने सबसे पहले पानी रखा है, पानी में डाला है मिंट, ये डाल के फिर ये क्या करती हैं, फिर आपके साथ बताते हैं, शेयर करते हैं कि क्या करते हैं। बताएं जी, बताएं फिर क्या करना है आपने? अभी मैं बता भी देती हूँ, दिखा भी देती हूँ क्या करती हूँ। इसमें जो खुशबू जाती है ना, फिर बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। ये देखे ना, अभी मैं ये रखूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। अभी जी मेरी आई है बड़ी सिस्टर, तो बैठते बैठते जाहिर है फिर 2-3 घंटे तो गुजरेंगे, तो 40 से 45 मिनट तो इसे स्टीम में भी लग जाने हैं। तो वो तो बड़ा कह रही थी कि नहीं जनाब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। मैंने कहा ऐसे तो नहीं, ईद है, ईद में खाना इकट्ठे खाएं फिर मज़ा आता है। साथ बातें करते हैं और साथ ये हमारा स्ट्रीम जो है माशाल्लाह से हो जाएगा रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर कर रही है स्प्रिंकल कर रही है व्हाइट टिल्स को जो इसके ऊपर लगेंगे, बड़े मजे के। जब फ्राई होता है ना तो क्या ही बात है, जब इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, जब ये चटकता है तेल में तो क्या ही बात है, मजा आ जाता है हाथों में भी, जब छींटे पड़ती है ना, और साथ ही जब खाते हैं कुरकुरे से बड़ा जबरदस्त लगता है। अभी इसे मैं 45 मिनट के लिए ना छोड़ दूंगी, और 45 मिनट बाद फिर क्या ही बात है आपके साथ शेयर करेंगे। जम्मा मेरी की बहन आई है, तो फिर हमारी खाला, तो फिर खुशी तो फिर होती है ना भाई अपनों की, कोई भी घर आ जाए तो मम्मा को तो भाई अब ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ लगी हुई है जी फुल तैयारी। तो कोई भी घर आ जाए ना, चाहे अजनबी भी आ जाए ना, तो सारा आँखों पर मैं तो बहुत खुश होती हूँ, आए वेलकम, बैठते हैं खाते हैं बातें करते हैं, यार जिंदगी का क्या पता। हाँ ऐसे ये बात सही है, जिंदगी का क्या पता अगली हम हो या ना हो, या आप में से कोई हो या ना हो, जिंदगी का तो पता थोड़ी होता है। ये तो एक वक्त जो गुजरता जाता है, ये चढ़ाई है, उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो, जिंदगी का पता नहीं। और जो भी टाइम है हैप्पी हैप्पी खुशी खुशी गुजारो सबके साथ मिल के, वेलकम। वैसे इनका लेक्चर अच्छा था थोड़ा सा क्यों थोड़ा सा नहीं, मुकम्मल अच्छा था। तो यार अभी हम ऊपर स्टोर रूम में आए हैं, तो अभी ये चावलों का मुंह खोलना है,
तोड़े का बाकी कितने तोड़े खत्म हो गए हैं? कितने खत्म हो गए? 5 खत्म हो गए, 3 रह गए। मुझे टेंशन लगी, अभी तो गंदम की कटाई शुरू होनी है, उसके बाद चावल उगाने हैं, उन्होंने फिर आने हैं, मुझे टेंशन लगी है। 3 से ज्यादा बड़े हुए हैं जनाब, 3 रह गए। एक ये हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 पड़े हुए हैं यार। अच्छा अच्छा, 3 है डेली बेस पर। तो आपने जाहिर किलो भी बने, तो क्या बात है, महीने में 30 किलो तो गए, तो कोई बात नहीं यार, ये चीज है। ये चावल बड़ा कमाल का, ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही बात है। लाए मैं डाल देता हूँ मट्टी में, मट्टी में डालने लगी है। ये जी मामा ने एक हाथ से उठाया, ये जाएगा मट्टी के आगे। चलो एक महीना तो गुजर जाएगा। तो यार मामा लगी हुई है जी जल्दी जल्दी चीजें सारी इकट्ठी करने और निकालने के लिए। ये फायदा होता है कि चीज जो पहले तैयार की हो ना, अगर अचानक से मेहमान आ जाए ना, तो कोई मसला नहीं होता। क्योंकि मैंने चांद्रा से एक दिन पहले ना ये चीजें जो ना कंप्लीट कर ली थी, तो जाहिर है कोई बहन भाई आ जाता पर बंदा उसके पास। अभी मैंने चिकन जो है वो उधर स्टीम लगा दिया, टिक्कियां निकाल दी है, झट से उसी यखनी में चावल बन जाएंगे और मेहमान इजी होके खाना खा लेंगे, मुश्किल नहीं होगा। अभी मैं बना दी, फिर मुश्किल हो जा रही थी। खुशबू से पूरा घर महक उठा है, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊं। तो मामा अब निकालती हैं और आपको दिखाते हैं कि 45 मिनट जब कंप्लीट हुए, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता जितनी मज़े की खुशबू आ रही है, तो मैं आपको शो करवाता हूं। लेट्स शो। है तो गर्म है वैसे ऊपर से, ओह माय गॉड, ये देखें मेरे हाथ जल रहे हैं यार, हाथ साड़ गए थोड़े भरा दे। चलो ये देखें कितना मज़े का हुआ है, बहुत गर्म है ऊपर से, फुल गर्म तो है। तो यार मामा अब निकालने लगी अंदर से, बहुत गर्म है ढक्कन ऊपर से। 45 मिनट तो हो गए हैं इसको स्टीम को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। घर में जो गेस्ट आए हुए हैं ना भाई, उनसे भी अब वेट नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि यार इतनी मजे की खुशबू आ रही है, रखा क्या बनने के लिए। हमने कहा आपके लिए छोटा सा सरप्राइज है, आपके लिए बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेट करें, जब बन के आता है ना तो फिर आपको खिलाते हैं। तो ये जी मामा निकाल रही है बंदर से, ये नीचे जो यखनी बची है इसके चावल बनाएंगे। ईद वाले दिन भी हमने यही बनाया था, बड़ा मज़ा आया था खाने का। मैं जब भी स्टीम लगाती हूँ ना, मैं उसी में चावल बनाती हूँ, क्या ही बात है। आप पुलाव को भूल जाएं, कसम से एक दफ़ा आप ट्राई करें, इतना मज़ा आएगा कि आपका दिल चाहेगा कि वैसे ही खाली चावल होंगे ना, तो वैसे ही वो मुर्गी का टेस्ट बीच में आएगा। बड़े मुझे तो वैसे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हर बंदे की अपनी चॉइस है, अपनी पसंद है, मुझे तो अच्छे लगते हैं। तो यार मम्मा यहाँ पर बना रही है जी शामी कबाब, चावल वगैरह हो गए सारा कुछ, चावल दम पर इसके बाद ब्रोस्ट कर लेंगे। रायता वगैरह आपने तैयार कर ली है, सलाद भी बन गई है, और इंशाल्लाह ताला 10 से 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि ब्रोस्ट ही रह गए हैं उतनी देर में। ये हो गई है ना, उसके बाद फौरन कढ़ाई रखेंगे और उसको भुन भन के आटा सीधा करके दे मेहमान लोग। तो यार ईद वाले दिन जो गेस्ट आते हैं ना, उसकी रौनक ही अपनी होती है। आम रूटीन में भी आते हैं ठीक है, खुशी होती है, लेकिन जो ईद वाले दिन आते हैं ना, ईद वाले डेज में, तो बड़ा ही बड़ी मज़ा आता है उस। कल में ना, असल में कल हमारी दावत थी सिस्टर की तरफ, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई। कल उन्होंने हमारी फैमिली पूरी की दावत की हुई थी, क्योंकि सारे बाकी तो नहीं ना वीडियो में आते, हम आते हैं वो नहीं आते, सारी फैमिली इकट्ठी थी, सब की उन्होंने दावत की थी। तो मैंने कहा आज आप मेरी तरफ आए, ऐसे ही है ना, ये कभी वो इधर कभी हम, जाहिर है कभी वो, इसको कहते हैं ना पंजाबी में जी को जी, बिल्कुल ऐसे जी को जी है भाई, कोई जी करता तो उसको भी जी करनी पड़ती है। तो टाइम हो रहा है जी अभी 5:15 का, तो बाहर तो अभी रोशनी है अच्छी खासी। तो यार मेरी अम्मी को प्यार से कहते हैं जी पकवान सेंटर वाली जो कि खाने बनाती हैं और खिलाने खिलाती हैं यार। तो आपको अब बना बना के तो नहीं खिला सकते, क्योंकि आप लोग दूर हैं, दूर दूर से देख रहे हैं, जो पास से देखते हैं ना हमारे खाने वही सिर्फ खाते हैं। तो आप सब भी आएँ पास से, हमें देखें थोड़ा सा, फिर आके हम आप लोग खाना खिलाएँगे अपना। तो ये तो रेडी हो गया, तो उनको परदेसियों के लिए वेलकम।
वेलकम सिर्फ परदेसियों के लिए, देसियों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं देसी भी आ जाए जहाँ तक हो सकेगा। हाँ नहीं वैसे मजाक कर रहा हूँ यार, देसी भी आने वाले बड़े, देसी तो आते ही नहीं है, दूर दूर से देख के हमें कहते हैं कि ऐसे 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 पास आए ना मजा फिर आता है। तो कपड़ा कपड़ा बिछाएं भाई? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी दस्तखानी बिछाना तभी जी बन रहा है। यार ये अयान है मेरे कज़न का बेटा, बड़ी शरारतें करता है, बहुत शरारती है यार ये, एक मिनट नहीं बैठा जब से हमारे घर आया है। मेरी खाला का पोता है वैसे, बड़ा शरारती है यार। अयान अयान इधर देखो, तो यार मामा यहाँ से बर्तन निकाल रही है। कुछ मेरा कैबन पड़े भरे पड़े हैं, लेकिन ये मेहमान आए हैं तो मैंने कहा ये तो वो घर के यूज़ के लिए, ये मेहमानों के लिए, तभी ये निकालती हूँ, इसे वॉश करती हूँ, साफ करती हूँ और मेहमानों के लिए रखती। बर्तनों की इतनी शकीन है, इतनी शकीन है, तो मुझे नहीं लगता कि इनको बर्तन के, इनका दिल कभी भर सकता है। अभी तो जो इसके अंदर पड़े हुए हैं ये बर्तनों वाली कबर्ड के अंदर जो पड़े हैं वो पड़े ही हैं, अभी ग्लास स्टॉक किए हुए हैं इन्होंने ऊपर स्टोर रूम में, बर्तन डिनर सेट ला ला के स्टॉक किए हुए हैं, इनको इतना क्रेज़ है ना बर्तनों का। तो मम्मा कहती है कि जी औरतों का यही शौक होता है बर्तन हो जाए, और कोई नहीं इतना होता, बर्तन हो गए, घर की चीज़ें हो गई, इनको बहुत है जी, ये भी चीज़ हो जाए, ये भी हो जाए। इवन कि इतना टाइम हो गया मेरी अम्मी की शादी को, तो आप बिलीव करें हमारे घर में कोई भी आता है ना तो वो यही कहते हैं कि ये कमरे आपकी बहुओं के हैं। तो मम्मा कहती नहीं बहुओं के नहीं है, ये मेरे खुद के कमरे हैं, ये बर्तन मेरे खुद के हैं। तो एक दफ़ा शॉक्ड हो जाते हैं वो, क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को मेंटेन रखा होगा टाइम के साथ साथ, लेटेस्ट जो डिज़ाइन चल रहे हैं मार्केट में वही ला ला के खुद को अपडेट करती हैं। ये चीज़ मुझे अपनी मम्मी में बड़ी अच्छी लगती है। तो यार मम्मा ने बनाए हैं जी चावल, तो मम्मा डाल रही हैं अब। खुद तो बंदा खाता ही है, जैसा खुद खाता है वैसे मेहमान आए तो वैसे ही जाओ ना, फिर मज़ा आता है। मुझे तो भाई बहुत खुशी होती है जब भी कोई आता है ना, मैं तो दिलो जान से इतनी ज़्यादा खुश होती हूँ कसम से, बहुत ज़्यादा। मेरे चावल भी माशाल्लाह तैयार हो गए हैं जनाब। तो यार ये मामा ने ब्रोस्ट वगैरह भी सारे कर लिए हैं क्लियर, को दिखाते हैं जी, ये शामी हो गई हैं, ये ब्रोस्ट हो गए हैं और वो चावल चुवल हो गए हैं सारे। तो भाई साहब मामा लगी हुई हैं जी सामान वगैरह रखने के लिए, कभी एक चीज़ कभी दूसरी चीज़ कभी तीसरी चीज़। भाई घर में कोई जब आ जाए तो मामा को एक मिनट नहीं बैठना होता, तो बल्कि सारी लगी हुई हैं किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी हैं। तो आज वैसे भी ईद मिलन पार्टी है एक साथ, यही कह सकते हैं आप। तो ये जी मामा बाकी सामान भी रख रही हैं, पानी पूनी रह गया, सोडे से रह गया, तो मामा थोड़ी हेल्प करते हैं, हेल्प करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये आपके भाई ने मेहमानों को चाय वगैरह और खाना वगैरह तो खिला दिया, लेकिन मेहमानों ने सबने कहा कि हमने चाय पीनी है, तो सिर्फ एक बंदे के हाथ की पीनी है। हमने पूछा आपने किसके हाथ की पीनी है, सबने कहा कि हमने शिराज के हाथ की चाय पीनी है। तो भाई मैं तो गार्डन गार्डन हो गया ये सुन के कि आप सबने मेरा नाम ले लिया चाय के लिए। तो उन्होंने कहा जी जी आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि आपकी चाय पीते ही हमें बहुत ही पुरसकून नींद आती है, तो ये मेरी चाय का राज है। तो खैर मजाक कर रहा हूँ, चाय मेरी बन ली है, सुबह ऊपर लेके जाते हैं चाय उन सबके लिए, खाना वगैरह खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया, डिनर भी हो गया हमारा और काफ़ी इंजॉय कर करके खाया, क्योंकि बहुत बड़ा अच्छा लगा यार ईद वाले दिन जब आपके घर में कोई आता है, आपका रिलेटिव गेस्ट वगैरह, बड़ा अच्छा टाइम हो रहा है अभी साथ का। तो खाना वगैरह खा पी के अब खाना हज़म करने की तैयारियाँ हो रही हैं सबकी। तो खाना खाया तो आधा घंटा हो गया तकरीबन, तो अब जस्ट वेट है चाय का, चाय बनती है तो फिर लेके चलते हैं ऊपर। प्यारा सा हमारे घर मेहमान आया है, कितना प्यारा लग रहा है, बोल दो सही आगे से। नहीं चाय आपके भाई ने बना ली है गेस्टों के लिए, तो अब ऊपर चलते हैं लेके चाय लेके चलते हैं ऊपर, ऊपर बैठ के पीते हैं चाय, अगर किसी ने पीनी है तो भाई वेलकम। हमारे गेस्ट निकल के गए हैं, अभी आपको दरवाजे की भी आवाज़ आई होगी, तो वो भी निकल के गए हैं यार, काफ़ी अच्छा इनके साथ टाइम स्पेंड हुआ है हमारा, बहुत मज़ा आया जी। ईद का दिन बहुत यादगार बन गया आज अपने हमारे मेहमानों के साथ, काफ़ी मज़ा आया। तो हम तो कह रहे थे अभी ना जाएं और कुछ बना लेते हैं या मंगवा लेते हैं बाज़ार से, तो कहते हैं नहीं हमें जाना ही है हर हाल में, काफ़ी टाइम आपका ले लिया है,
तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आपकी मर्जी, अब हमने तो फोर्स करना था, कर ली। गुजरी फिर आपकी? आज तो बहुत ही मसरूफ दिन गुजरा यार, आज मेहमान घर में आ गए थे और बिल्कुल टाइम नहीं मिला बाहर जाने के लिए, सारा दिन आज तो सारा दिन वाकई हमारा ऐसे ही गुजर गया। आज आपके बाबा ने मेरे साथ वादा किया था कि बाइक पर मैं आपको घुमा के लाऊंगा पूरा लाहौर। तो कल प्लान बनाते हैं, कल चलते हैं। अभी आप मुझे लेके जाएंगे किसी पार्क में जाएंगे इंशाल्लाह। तो कह रहे थे कि बाइक पर तू और मैं प्यारियां प्यारियां गल्ला कर देना, पुरानिया गुजरिया वक्त जरा याद कर दे ना सैल करा दे। मैं ठीक है, कहने दोवे नहीं जाना। मैं चलो जी कुड़ी मुंडा चिल मोल। तो कल इनको भेजेंगे अगर ये चले गए, वरना हम पूरी फैमिली साथ प्लान बनाएंगे। तो आज की रूटीन यही थी, कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में, नई वीडियो में। अल्लाह।